सो गाइस, आज मैं आपकी डिमांड पर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन फिल्मों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप इस वीडियो का 10K लाइक भी जल्दी पूरा कर देंगे। इस कहानी की शुरुआत उस वक्त से होती है जब जनरल जोड और सुपरमैन के बीच में लड़ाई हो रही थी, क्योंकि जनरल जोड अर्थ को नष्ट करके यहाँ क्रिप्टॉन को फिर से बसाना चाहता था, इसीलिए सुपरमैन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। ब्रूस भी मेट्रोपोलिस में पहुँच जाता है क्योंकि अभी भी उसकी कंपनी के लोग वही फंसे हुए थे, इसीलिए अपने मैनेजर जेक को कॉल करके सभी लोगों को बाहर निकालने को कहता है। जेक सभी एम्प्लॉय को बाहर निकालने लग जाता है, लेकिन तभी सुपरमैन और जोड लड़ाई करते हुए उस बिल्डिंग में घुस जाते हैं, जिससे जोड अपनी लेजर पावर से पूरी बिल्डिंग को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर ब्रूस को बहुत गुस्सा आता है और उन लोगों को बचाने जाता है। जहाँ वो देखता है कि वालिस नाम का आदमी मलबे में फंसा हुआ है तो उसे बाहर निकालता है, लेकिन उसके पेट टूट चुके थे। तभी ब्रूस देखता है कि एक छोटी लड़की मलबे के नीचे आने वाली है, मगर उसे बचा लेता है, लेकिन उसकी माँ की मौत हो चुकी थी, जिससे ब्रूस को जोड और सुपरमैन पर बहुत गुस्सा आता है। फिर हमें 18 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हिंद महासागर में दो गोताखोरों को क्रिप्टोनियन शिप का एक टुकड़ा मिलता है, जिसे जब वो बाहर निकाल कर तोड़ते हैं तो उन्हें उसमें हरे रंग का क्रिस्टल मिलता है, जो कि असल में क्रिप्टोनाइट होता है, जो क्रिप्टोन वासियों के लिए बहुत खतरनाक था क्योंकि इससे उनकी पावर कम होने लगती थी। फिर हमें अफ्रीका के नाइरोम इलाके को दिखाया जाता है, जहाँ सिविल वॉर चल रहा था, इसीलिए वहाँ लोइस लेन इंटरव्यू लेने के लिए आई थी। वहाँ लोइस को जिमी नाम का एक फोटोग्राफर भी मिलता है, जो दरअसल एक CIA एजेंट था। कुछ ही देर में वहाँ जनरल के आदमी आकर उन्हें अपने साथ जनरल के पास ले जाते हैं, जहाँ लोइस जनरल से पूछती है कि क्या आप एक आतंकवादी है, तो जनरल उसे कहता है कि मैं सिर्फ अपने लोगों की भलाई के बारे में सोचता हूँ। लोइस को वहाँ बहुत सारे प्राइवेट सिक्योरिटी सैनिक दिखाई देते हैं, इसीलिए वो जनरल से कहती है कि इन सुरक्षा के ठेकेदारों को देने के लिए पैसे आपके पास कहाँ से आते हैं, लेकिन जनरल उसका कोई जवाब नहीं देता। वहीं उन सभी की सुरक्षा के ठेकेदारों का लीडर एनातोली को फोटोग्राफर जिमी पर शक हो जाता है, इसीलिए वो उसके कैमरे को खोलकर चेक करने लगता है और उसे रील में से ट्रांसमीटर मिलता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो एक CIA एजेंट है और उनकी जासूसी कर रहे हैं। इससे जनरल गुस्सा हुआ लोइस से कहता है कि तुम दोनों CIA हो, तो जिमी उसे कहता है कि लोइस कुछ नहीं जानती, हमने सिर्फ पहचान छिपाने के लिए उसका इस्तेमाल किया था। तो जनरल जिमी को जान से मार देता है और वो लोइस से पूछताछ करने के लिए उसे अंदर ले जाता है, तो लोइस उसे कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता। वही एनातोली अपने सभी साथियों के साथ साथ जनरल के आदमियों को शूट करने लग जाता है और एक एक करके सभी को मारकर उन्हें आग से जला देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जनरल को कुछ समझ नहीं आता और वो लोइस को पकड़ लेता है। तभी सुपरमैन भी वहाँ जाता है और वो लोइस को बचाने के लिए जनरल को मारकर वहाँ से निकल जाता है। एनातोली के आदमियों ने जनरल के जिन लोगों को मारा था, उनके परिवारों को लगता है कि उन सभी लोगों को सुपरमैन ने मारा है, इसीलिए काहिन नाम की एक लेडी सीनेट कमेटी में सुपरमैन पर आरोप लगाती है कि हमने सुपरमैन के आने की आवाज सुनी थी और जब वो नीचे आया तो हमारे सभी लोग मारे गए, जिसमें मेरे माँ बाप भी थे। उसकी बातों और हालतों को देखकर सेनेटर सुपरमैन को दोषी करार देकर कहती है कि हमें सुपरमैन को उसके कायदे समझाने होंगे। वही हमें गौतम शहर के एक अड्डे को दिखाया जाता है, जहाँ सेंटोस नाम के एक तस्कर ने बहुत सारी एशियाई लड़कियों को बंधक बना रखा था, इसीलिए बैटमैन वहाँ उसे बहुत मार रहा होता है। दो पुलिस ऑफिसर को भी इस बात की खबर मिलती है, इसीलिए वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ एक ऑफिसर बैटमैन को देखकर काफी डर जाता है और उस पर फायर करने लगता है, लेकिन बैटमैन वहाँ से निकल जाता है। वो ऑफिसर देखते हैं कि बैटमैन ने उस तस्कर को बहुत बुरी तरीके से पीटा और उस पर अपनी मोहर भी लगा दी है। वहीं लोइस जब अपने घर पर होती है तो उसे अपनी बुक में एक गोली मिलती है, जो एनातोली के फायरिंग के वक्त उस बुक पर लग गई थी, मगर लोइस को कुछ समझ नहीं आता। और जब क्लार्क यानी कि सुपरमैन वहाँ आता है तो लोइस को बताता है कि मैंने उन लोगों को नहीं मारा और मैं सिर्फ वहाँ तुम्हें बचाने आया था, क्योंकि तुम्हारी वहाँ जान जा सकती थी। वही हमें बैटकेव में ब्रूस को दिखाया जाता है, जहाँ अल्फ्रेड उससे कल रात के बारे में पूछता है, तो ब्रूस उसे बताता है कि वो सिर्फ एक मामूली प्यादा था और हम जिस व्हाइट पोर्तुगीज को ढूंढ रहे हैं वो कोई और है, लेकिन मुझे एनातोली नाम के आदमी के बारे में पता चला है जो हमें उस व्हाइट पोर्तुगीज तक पहुँचा सकता है, क्योंकि इसके पूरी दुनिया में ठेके हैं, मगर ये इंसानों और हथियारों की तस्करी गौतम से बाहर करता है। तो अल्फ्रेड ब्रूस से पूछता है कि हम व्हाइट पोर्तुगीज को क्यों ढूंढ रहे हैं, तो ब्रूस उसे बताता है कि वो व्हाइट पोर्तुगीज गौतम में परमाणु बम ला रहा है, इसीलिए हमें उसे रोकना होगा। वही मेट्रोपोलिस में हमें बिलीनियर बिजनेसमैन लेक्स लूथर को दिखाया जाता है, जो अपनी कंपनी में सेंटर फिंच और उनके सबऑर्डिनेट मेंबर बेरो को देश की सुरक्षा
सुरक्षा के बारे में बात करने के लिए वहाँ बुलाता है। जाओ ने क्रिप्टोनाइट का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाता है जो उसे क्रिप्टोनियन वर्ल्ड इंजन से मिला था। तो सेनेटर उसे कहती है कि यह पत्थर देश की सुरक्षा कैसे कर सकता है। तो लूथर उन्हें कहता है कि यह देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा कर सकता है, क्योंकि यह पत्थर क्रिप्टोनियन के लिए खतरा है और यह बहुत जल्दी क्रिप्टोनियन सेल्स को खत्म करने की ताकत रखता है, जिसका एक्सपेरिमेंट हमने जोट की बॉडी पर किया था और हमें हिंद महासागर में क्रिप्टोनाइट का बहुत बड़ा पत्थर मिला है जिससे हम सुपरमैन के खिलाफ हथियार बना सकते हैं। इसीलिए मुझे वो पत्थर मंगाने के लिए आपसे इम्पोर्ट लाइसेंस चाहिए। लेकिन सेनेटर उसे कहती है कि सुपरमैन हमारा दुश्मन नहीं है। तो लूथर उन्हें कहता है कि कभी भी वक्त बदल सकता है, इसीलिए हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। लेकिन सेनेटर कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। मगर लूथर सेनेटर के सब बोर्डिंग मेंबर बेरोस है क्रिप्टोनियन शिप और जनरल जोट की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन ले लेता है, जिससे वो जोट के फिंगरप्रिंट प्राप्त कर लेता है। रात को लेक्स लूथर सेनेटर को मिलने के लिए अपने घर पर बुलाता है ताकि उन्हें इम्पोर्ट लाइसेंस देने के लिए राजी कर सके। लेकिन सेनेटर उसे परमिशन नहीं देती। तो लूथर उन्हें कहता है कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वही हमें जे को दिखाया जाता है जिसके पैर सुपरमैन और जोट की लड़ाई के हादसे में कट गए थे और उसका परिवार भी उस हादसे में मरा था, जिस वजह से वो सुपरमैन को दुश्मन मानने लगता है। इसीलिए उसने हीरोस पार्क में बने सुपरमैन के स्टेचू पर झूठा गॉड लिखा होता है, जिससे पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। क्लार्क भी न्यूज में यह सब देख लेता है। वो इससे काफी परेशान होता है और वो गौथम के बंदरगाह वाले इलाके पर पहुंचता है। लेकिन वहाँ सभी बैटमैन से बहुत डरे हुए होते हैं, क्योंकि रात के वक्त बैटमैन शिकार किया करता था। वही हमें बैटमैन को दिखाया जाता है जो एनाटोली से मिलने के लिए एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब में जाता है, जहाँ बहुत ही चालाकी से एनाटोली से बात करने के बहाने से उसके फोन की सारी इन्फॉर्मेशन को अपने हाईटेक फोन में ट्रांसफर कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि एनाटोली ने लेक्स लूथर के लिए काम किया था। और अल्फ्रेड को बताता है कि एनाटोली के फोन की सारी इन्फॉर्मेशन को धुंधली कर दी गई है और वो सारी इन्फॉर्मेशन लेक्स लूथर के घर पर भेजी जा रही है। इसीलिए मुझे बैटमैन बनकर वहाँ घुसना होगा, जिससे हमें व्हाइट पोर्तुगीज के बारे में कुछ पता चल सकता है। तो अल्फ्रेड उसे कहता है कि आपको बैटमैन बनकर वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लेक्स लूथर ने आपको खुद अपनी पार्टी में इन्वाइट किया है। तो बैटमैन तैयार होकर पार्टी में पहुँच जाता है, जहाँ क्लार्क भी आया होता है। ब्रूस लूथर के डेटा कॉपी करने के लिए अपने ड्राइव को उसके सिस्टम में लगा देता है, मगर इसमें 7 मिनट का वक्त लग रहा था, इसीलिए ब्रूस पर किसी को शक न हो इसीलिए ऊपर आ जाता है, जहाँ लेक्स लूथर ब्रूस को क्लार्क से मिलवाता है, क्योंकि लेक्स लूथर कोई बहुत बड़ी साजिश कर रहा था। ब्रूस अपना ड्राइव लेने के लिए नीचे आता है, लेकिन वो देखता है कि उसका ड्राइव नहीं होता, क्योंकि उसे डायना यानी कि वंडर वुमन ने चुरा लिया था। ब्रूस को भी इस बात का पता चल जाता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि वंडर वुमन है, और उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ से निकल जाती है। वहीं बाकी की दुनिया सुपरमैन के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा कर रही थी, क्योंकि कुछ का मानना था कि सुपरमैन का होना हमारे लिए अच्छा है क्योंकि वो लोगों को बचाया करता था। वहीं कुछ का मानना था कि सुपरमैन हमारे लिए खतरा हो सकता है। वहीं सुपरमैन को पता चलता है कि बैटमैन का आतंक बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बैटमैन जिन गुनहगारों और मुजरिमों को पकड़ता था उन पर अपनी मोहर लगा देता था, जो एक डेड साइन था, क्योंकि जब उस मुजरिम को जेल में डाला जाता तो बाकी के मुजरिम उसे जान से मार देते थे। और ये सब लूथर कर रहा था क्योंकि उसके आदमी उन मुजरिमों को पैसे देते थे जिससे वो बैट साइन वाले क्रिमिनल को जान से मार देते। लूथर ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो बैटमैन और सुपरमैन को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना चाहता था, इसीलिए वोलेस को जेल से रिहा करवाता है। वोलेस वही होता है जिसके पैर सुपरमैन और जोट की लड़ाई में कट गए थे। वोलेस जब घर जाता है तो लूथर से पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो लूथर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, और उसे एक हाईटेक व्हील चेयर गिफ्ट करता है और उसे कहता है कि तुम्हें सुपरमैन के खिलाफ गवाही देनी होगी। तो वोलेस इसके लिए तैयार हो जाता है। वहीं ब्रूस डायना से अपना ड्राइव लेने के लिए म्यूजियम में पहुंच जाता है, जहां डायना से कहता है कि चोरी करना बुरी बात है। तो डायना उसे कहती है कि मैंने तुम्हारा ड्राइव चुराया नहीं बल्कि उधार लिया था, क्योंकि लेक्स लूथर के पास मेरी एक तस्वीर है, लेकिन वो मुझे नहीं मिली क्योंकि उस डेटा पर मिलिट्री ग्रेड इंक्रिप्शन लॉक लगा हुआ है, इसलिए मैंने उस ड्राइव को वापस तुम्हारी कार में रख दिया। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर ब्रूस अपनी बेटकियों में वापस लौट आता है, जहाँ वो ड्राइव के लॉक को तोड़ने लगता है, लेकिन तभी उसे नींद आ जाती है जिससे उसे सपने आने लगते हैं, जिसमें वो देखता है कि वो क्रिप्टोनाइट लेने के लिए अपने आदमियों के साथ एक सुनसान जगह जाता है, लेकिन वहाँ सुपरमैन दुश्मनों के साथ मिला होता है, इसीलिए अपने आदमियों और अंतिश से आए
पैराडीमन से सभी पर हमला कर देता है और जान से मारने लग जाता है। और वो ब्रूस को पकड़ लेते हैं और उसे एक जगह बांध देते हैं जहाँ सुपरमैन ब्रूस के साथियों को अपनी लेजर की मदद से मार देता है। और ब्रूस से कहता कि तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। और वो बैटमैन की चेस्ट को कुचल देता है। तभी उसकी आँख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो सपना देख रहा था। तभी वो ड्राइव भी डिक्रिप्टिंग हो जाता है जिससे ब्रूस को पता चलता है कि व्हाइट पोर्तुगीज कोई आदमी नहीं बल्कि एक शिप है जिसे लेक्स लूथर क्रिप्टोनाइट को अपनी फैक्ट्री में ला रहा है। अल्फ्रेड जब ब्रूस की कार तैयार कर रहा होता है तो ब्रूस से कहता है कि मैं जानता हूँ कि उस शिप पर कोई परमाणु बम नहीं है, इसलिए आप मुझे बताइए क्या आप मुझसे क्या छिपा रहे हैं। तो ब्रूस उसे बताता है कि उसमें क्रिप्टोनाइट नाम का हथियार है जो क्रिप्टोनियन सेल्स को कमजोर कर देता है और उसे लेक्स लूथर तक पहुँचाया जा रहा है, इसीलिए मैं उसे चुराने वाला हूँ ताकि मैं सुपरमैन को खत्म कर सकूँ। तो अल्फ्रेड उसे कहता है कि सुपरमैन हमारे लिए खतरा नहीं है। तो ब्रूस उसे कहता है कि उस धरती के भोज ने 2 साल पहले जोर से लड़ाई में हजारों लोगों की जान ली थी और अगर वो बुरा बन गया तो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। अल्फ्रेड उसे समझाता है लेकिन वो ये कहते हुए उसकी बात नहीं मानता कि हम 20 साल से गोथम में रह रहे हैं और अब बहुत कम लोग अच्छे बच्चे हैं। फिर दिखाया जाता है कि अनातोले जब क्रिप्टोनाइट को लेसक्रोप में ले जाने के लिए लोड कर रहा होता है तो बैटमैन भी वहाँ पहुँच जाता है और उस ट्रक पर ट्रिगर लगा देता है जिससे उसका पीछा करने लग जाता है। ये देखकर एनातोले के लोग उस पर फायर करने लगते हैं लेकिन बैटमैन की कार पर इसका कोई असर नहीं होता और बैटमैन एक एक करके एनातोले के सभी आदमियों को मार देता है और उस ट्रक तक पहुंचने वाला होता है कि तभी रास्ते में सुपरमैन आकर उसे रोक लेता है क्योंकि सुपरमैन लूथर की चाल की वजह से बैटमैन को बुरा समझने लगा था। इसीलिए वो उसे कहता कि बैटमैन अब खत्म हो चुका है और अगर अगली बार मुझे तुम्हारा आसमान में बैट सिग्नल दिखाई दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इससे बैटमैन को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो वापस अपने बैटकेव में आ जाता है और उसे अपने ट्रेकर की मदद से पता चल जाता है कि क्रिप्टोनियन लेक्सकॉर्प में लेक्स लूथर के पास पहुंच गया है, इसीलिए वो रात को वहाँ हमला करके क्रिप्टोनाइट चुरा लेता है। वही लोइस लेन एनातोले की गोलियों का पता लगाने के लिए उन्हें US सेक्रेटरी को देती है और उन्हें कहती है कि मैं जानती हूँ कि सुपरमैन को कोई फंसा रहा है और उन आदमियों को उसने नहीं मारा था। अगले दिन सेक्रेटरी इस बारे में छानबीन करके अगले दिन लुइस को बताते हैं कि इस बुलेट को लेक्स लूथर की कंपनी ने बनाया था और एनातोले उसके लिए काम करता है और वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो सुपरमैन को फंसाना चाहता था, इसीलिए उसने जनरल के लोगों को मारा था। इससे लुइस समझ जाती है कि लूथर सुपरमैन की हकीकत जानता है। लुइस सेक्रेटरी से कहती है कि आपको सारी सच्चाई प्रेस को बतानी होगी। तो सेक्रेटरी उसे कहते हैं कि एक खुफिया जानकारी है और अगर मैंने किसी को ये बताया तो इसे मेरी नौकरी चली जाएगी। लोइस वहाँ से निकल जाती है। वही जोसेफ सुपरमैन पर केस कर देता है, इसलिए सेनेटर सुनवाई के लिए सुपरमैन को अमेरिकी संसद में बुलाती है ताकि सभी जान पाए कि उस दिन रेगिस्तान में क्या हुआ था। अगले दिन सुपरमैन संसद में पहुंच जाता है लेकिन यह सब लूथर का एक प्लान होता है क्योंकि लूथर ने जोसेफ की व्हील चेयर में बम फिट कर रखा था जो सुपरमैन के वहाँ संसद में पहुँचते ही ब्लास्ट हो जाता है जिससे सुपरमैन को छोड़कर सभी लोग मारे जाते हैं। इससे सभी लोगों को लगता है कि ऐसा सुपरमैन ने किया है। सुपरमैन इससे काफी दुखी होता है और वो कुछ घायल हुए लोगों को निकाल कर बाहर आता है लेकिन वो बहुत उदास महसूस कर रहा था, इसीलिए वहाँ से चला जाता है। अब इस धमाके के बाद बैटमैन पूरी तरीके से सुपरमैन को अपना दुश्मन मानने लगता है क्योंकि उसे जोसेफ के चेक भी मिले थे जिसमें जोसेफ ने लिखा था कि मुझे बचा लो, मगर ये भी लूथर का ही प्लान था। और अब बैटमैन पूरी तरह से डिसाइड कर लेता है कि वो सुपरमैन को खत्म करके रहेगा, इसीलिए उसे मारने के लिए क्रिप्टोनाइट से 3 गैस ग्रेनेड और एक भाला तैयार करता है। साथ ही वो खुद को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कड़ी ट्रेनिंग करने लग जाता है। साथ ही उसे लेक्स लूथर के डेटाबेस में से मेटा ह्यूमन का एक फोल्डर मिलता है जिसमें एक्वामैन, फ्लैश, साइबोक और वंडर वुमेन के बारे में इन्फॉर्मेशन थी। ब्रूस वंडर वुमेन के फोल्डर को ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि डायना प्रिंस ही वंडर वुमेन है और साथ ही उसे उसमें 1918 वाली बेल्जियम की फोटो भी मिलती है जिसके बारे में डायना बात कर रही थी। इससे वो बहुत हैरान होता है। वही हमें लेक्स लूथर को दिखाया जाता है जो हीरोस पार्क के पास बने उस फैसिलिटी में पहुंचता है जहां क्रिप्टोनियन शिप रखा हुआ था, जहां वो जोड़ के निकाले गए फिंगरप्रिंट से उस शिप को एक्टिवेट कर लेता है और वो क्रिप्टोन के पुराने रिकॉर्ड चेक करता है जिससे उसे खतरनाक क्रिप्टोन राक्षस डूम्सडे के बारे में पता चलता है। लेकिन उसे बनाने के लिए क्रिप्टोनियन बॉडी की आवश्यकता होती है, इसीलिए वो जोड़ की डेड बॉडी को जेनेसिस चेंबर में लेकर जाता है जहां वो अपने खून को जोड़
रोबोट की बॉडी से मिलाता है और उस शिप के रोबोट काउंसिल को राक्षस बनाने की प्रक्रिया आरंभ करने को कहता है। काउंसिल रोबोट उसे चेतावनी देता है कि इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन लूथर उसकी बात नहीं सुनता, जिससे वो जोड़ के शेर को राक्षस में बदलने की प्रक्रिया स्टार्ट कर देती है। वहीं हमें लोइस को दिखाया जाता है, जिसे न्यूज से पता चलता है कि संसद में आज तक सुपरमैन ने नहीं किया था बल्कि वालेस ने किया था, क्योंकि उसकी व्हील चेयर में बॉम्ब था, इसीलिए वो क्लार्क को वहाँ बुलाती है। लेकिन क्लार्क पहले से ही वही मौजूद होता है और वो काफी परेशान था। लोइस उसे बताने की कोशिश करती है कि इन सब के पीछे कुछ लोगों का हाथ है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। वो बर्फीली पहाड़ियों पर जाता है, जहाँ वो अपने पिता जोनथन की कल्पना करता है। जोनथन उसे अपना एक पुराना किस्सा बताते है कि एक बार बहुत जबरदस्त बारिश हुई जब मैं 12 साल का था, इसीलिए मैं अपने पिता के साथ रात भर खेतों में पानी भरने से रोकता रहा और आखिर हमने रोक दिया, जिससे हमारे खेत डूबने से बच गए और मेरी माँ को लगा कि मैं एक हीरो हूँ और उन्होंने मेरे लिए केक बनाया। लेकिन बाद में हमें पता चला कि हमने पानी को रोककर उसकी दिशा मोड़ी थी, जिससे पड़ोसी के खेतों के साथ साथ उनके घोड़े भी डूब गए और ये बुरे सपने मुझे कभी सोने नहीं देते थे। तो क्लार्क उनसे पूछता है कि वो बुरे सपने आने कब बंद हुए, तो बताते हैं कि जब मैं तुम्हारी माँ मार्था से मिला तो मुझे वो सपने आने बंद हो गए, क्योंकि उसने मुझे विश्वास दिलाया कि दुनिया में अच्छाई भी मौजूद है। वही हमें ब्रूस वेन को दिखाया जाता है, जो मेनर के खंडरों में पहुंचता है, जहां उसे उसके डेड बचपन में जिंदगी के लेसन दिया करते थे, जिससे ब्रूस को पुरानी बातें याद आती है जब वो अपनी मॉम और डेड के साथ घूमने के लिए बाहर निकला था, मगर रास्ते में एक चोर ने उन्हें लूटने की कोशिश की, जिससे उसके माँ बाप दोनों को उस चोर ने मार दिया, जिससे ब्रूस काफी दुखी हुआ। लेकिन वो इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि अनाथ हो चुका है, इसीलिए अपने माता पिता के अंतिम संस्कार से भाग निकला, जहां वो एक गुफा में गिरा और वहां उसे बेड्स दिखाई दिए जिनके साथ उड़ने लगा और यहीं से उसके बैटमैन बनने की शुरुआत हुई। अल्फ्रेड ब्रूस को समझाता है कि आपको सुपरमैन से नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन उसकी बात नहीं सुनता और रात को पूरी तैयारी के साथ सुपरमैन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और गौतम में अपने बैट सिग्नल को ऑन कर देता है ताकि सुपरमैन वहां आ जाए। वह एनाटोली क्लार्क की मां मार्था को लूथर के कहने पर किडनैप कर लेता है, फिर बाद में वो लोइस को भी किडनैप कर लेते हैं और एनाटोली उसे लेक्सकॉर्प टावर पर लूथर के पास लेकर जाता है, जहां लोइस उसे कहती है कि मैं सब कुछ जानती हूं कि तुमने क्या किया है। लेकिन तभी वो लोइस को बिल्डिंग से धक्का दे देता है ताकि सुपरमैन वहां आ जाए, क्योंकि सुपरमैन की किसी को कोई खबर नहीं थी और होता भी ऐसा ही है। सुपरमैन लोइस को बचा लेता है, लोइस सुपरमैन को देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो लूथर को मारने के लिए ऊपर आता है तो लूथर उसे कहता है कि तुम खुद को बहुत महान समझते हो, जिससे तुम्हें लगता है कि तुम ईश्वर हो जैसे तुम्हारे पूर्वज थे, लेकिन ईश्वर कुछ नहीं होता, क्योंकि बचपन में जब मेरे पिता मुझे मारा करते थे तो मुझे बचाने कोई ईश्वर नहीं आया। इससे मैं समझ गया कि अगर ईश्वर शक्तिशाली है तो सबसे अच्छा नहीं हो सकता, और अगर वो सबसे अच्छा है तो सबसे शक्तिशाली नहीं हो सकता, इसीलिए तुम भी नहीं हो सकते, और अब लोगों को पता चलेगा कि तुम धोखेबाज हो और वो खुद अपनी आंखों से तुम्हारे खून से रंगे हाथ देखेंगे। तो क्लार्क उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्या किया है, तो लूथर उसे बताता है कि मैंने बैटमैन को तुम्हारे खिलाफ भड़काया, जिसमें मुझे 2 साल लगे, और वो गोथम में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इसीलिए तुम उसके पास जाओगे और मरते दम तक उससे लड़ोगे, और ये दुनिया की सबसे अच्छी भगवान और इंसान की लड़ाई होगी। तो सुपरमैन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूंगा, तो लूथर उसे उसकी माँ मार्था की फोटो दिखाता है, तो सुपरमैन बहुत गुस्सा हो जाता है, जिसपे लूथर उसे कहता है कि अगर तुम अपनी माँ को बचाना चाहते हो तो तुम्हें बैटमैन का कटा हुआ सर मेरे पास 1 घंटे के अंदर लाना होगा, वरना मार्था मारी जाएगी, ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। वही हमें डायना को दिखाया जाता है, जिसे बैटमैन का एक ईमेल मिलता है, जिसमें ब्रूस ने लिखा होता है कि मुझे तुम्हारी फोटो मिल गई है, और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। साथ ही उसे उसमें बेरी, आर्थर और विक्टर का एक वीडियो मिलता है, जिसमें वो देखती है कि सिलास ने अपने बेटे को बचाने के लिए एक मदर बॉक्स को एक्टिवेट कर दिया है। वही सुपरमैन लोइस के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरी माँ लूथर के कब्जे में है, इसीलिए मुझे उन्हें बचाने के लिए बैटमैन को मारना होगा, और वहाँ से निकलकर गोथम में ब्रूस के पास आ जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि लूथर हमें लड़वाना चाहता है, लेकिन ब्रूस उसकी बात नहीं मानता और अपने हथियारों से सुपरमैन पर अटैक करने लग जाता है, जिससे सुपरमैन भी उससे फाइट करने लगता है और उसे मारते हुए समझाने लगता है, लेकिन बैटमैन उसकी नहीं सुनता और क्रिप्टोनाइट ग्रेनेड से उस पर हमला करता है, जिससे सुपरमैन कमजोर होने लगता है और उसकी पावर भी कम हो जाती है। बैटमैन अब सुपरमैन को बुरी तरीके से मारने लग जाता है, जिससे हम यहाँ सुपरमैन और बैटमैन की
खतरनाक फाइट देख पाते हैं, जिससे सुपरमैन जब बैटमैन पर दोबारा हावी होने लगता है तो बैटमैन वापस से ग्रेनेड से उस पर हमला करके उसे कमजोर कर देता है और उसे बुरी तरीके से मारने लग जाता है, क्योंकि अब सुपरमैन बहुत कमजोर हो चुका था। वहीं लोइस भी अपने ऑफिस से हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंच जाती है ताकि उनकी लड़ाई रुकवा सके। सुपरमैन क्रिप्टोनाइट गैस की वजह से बहुत कमजोर हो गया था, इसीलिए बैटमैन क्रिप्टोनाइट से बने बाले से उसे खत्म करने लगता है। तो सुपरमैन उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मार्था को मार देगा। बैटमैन को लगता है कि उसकी माँ की बात कर रहा है, क्योंकि उसकी भी माँ का नाम मार्था था और उसे उसकी माँ की याद आने लगती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए उसकी बात नहीं मानता और गुस्से में उसे मारने लग जाता है। लेकिन तभी लोइस वहाँ आकर बैटमैन को रोक लेती है और उसे कहती है कि अपनी माँ की बात कर रहा है, जिसे लूथर ने पकड़ रखा है। तो बैटमैन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसके भाले को दूर फेंक देता है। वहीं हमें क्रिप्टोनियन शिप को दिखाया जाता है जो मेट्रोपोलिस की पूरी बिजली को खींच रहा था, क्योंकि उसके अंदर लूथर का बनाया हुआ राक्षस डूम्सडे पूरी तरीके से तैयार होने वाला था। प्रेस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है, और लोइस इस बारे में सुपरमैन को बताती है। तो बैटमैन सुपरमैन को कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ को बचा लूंगा, इसीलिए तुम्हें लूथर को रोकना होगा। तो सुपरमैन उसकी बात मान लेता है और ब्रूस मार्था को ढूंढने के लिए निकल जाता है। एल्फ्रेड उसे बताता है कि मैंने एनाटोली के फोन की मदद से उसकी लोकेशन पता कर ली है। तो ब्रूस वहाँ पहुँच जाता है और एक एक करके एनाटोली के सभी आदमियों को मार देता है, और एनाटोली को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो मार्था को मारने की धमकी देता है तो ब्रूस बड़ी चालाकी से उस गैस सिलेंडर को वहाँ ब्लास्ट करके मार्था को अपने सूट से प्रोटेक्ट कर लेता है, जिससे एनाटोली मारा जाता है। वहीं सुपरमैन क्रिप्टोनियन शिप के जेनेसिस चैम्बर में पहुंच जाता है, जहाँ सुपरमैन लूथर से कहता है कि तुम हार चुके हो, लेकिन लूथर उसे अपनी बातों में फंसाता है, जिससे डूम्सडे पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। लूथर सुपरमैन से कहता है कि अगर इंसान भगवान को नहीं मार सकता तो उन्हें शैतान मारेगा। तभी डूम्सडे बाहर निकल आता है, जिससे पूरे शहर की बिजली चली जाती है। सुपरमैन उससे फाइट करने लगता है, लेकिन डूम्सडे एक बहुत ही खतरनाक शैतान होता है, इसीलिए सुपरमैन को बुरी तरीके से मारने लग जाता है। आर्मी भी डूम्सडे को रोकने के लिए वहाँ पहुँच जाती है और वो डूम्सडे पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन इससे डूम्सडे और भी ज्यादा ताकतवर होने लगता है, क्योंकि वो एनर्जी को अपने अंदर खींच सकता था, इसीलिए वहाँ चारों तरफ ब्लास्ट कर देता है। इसीलिए सुपरमैन उसे रोकने के लिए अंतरिक्ष की गहराइयों में लेकर चला जाता है। ये देखकर राष्ट्रपति उन पर परमाणु बम से हमला करवा देते हैं ताकि वो डूम्सडे को मार सके, लेकिन इससे डूम्सडे को कुछ नहीं होता और वापस अर्थ पर लैंड हो जाता है, क्योंकि वो परमाणु बम सुपरमैन को लगा था, इसीलिए वो बुरी तरीके से सिकुड़ जाता है। मगर सुपरमैन के सेल्स दोबारा से रिजनरेट हो जाते हैं, इसीलिए वो जिंदा हो जाता है। वही डूम्सडे इस हमले की वजह से और ज्यादा ताकतवर हो जाता है, क्योंकि वो एनर्जी को अपने अंदर खींच सकता था। ये देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आता कि उसे कैसे रोक सकते हैं। लेकिन ब्रूस अपने जेट से उस पर अटैक करके उसे भड़काने लगता है और उसे गौतम की तरफ लेकर बढ़ने लग जाता है, ताकि उसे अपने बनाए हुए क्रिप्टोनाइट भाले से मार सके। लेकिन डूम्सडे बैटमैन के जेट पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और उसे अपनी आंखों की लेजर से खत्म करने लगता है। लेकिन तभी वंडर वुमन वहां आकर उसे बचा लेती है। तभी सुपरमैन भी वहां पहुंच जाता है और अब वो तीनों मिलकर उससे फाइट करने लग जाते हैं। डायना अपनी तलवार से डूम्सडे पर वार करके उसे इंजर्ट करने लगती है, लेकिन वो बिजली से पैदा हुआ था, इसीलिए उस पर किसी भी वार का कोई असर नहीं होता। वही लोइस भी समझ जाती है कि डूम्सडे को उस क्रिप्टोनाइट भाले से मारा जा सकता है, इसीलिए उसे लेने के लिए उस बिल्डिंग में जाती है। लेकिन वो तबाही की वजह से वहाँ पानी में फंस जाती है। सुपरमैन को उसकी आवाज सुनाई दे जाती है, इसीलिए उसे बचाकर बाहर ले आता है और खुद उस भाले को लेने अंदर जाता है। लेकिन क्रिप्टोनाइट के आसपास होने पर भी क्रिप्टोनियन कमजोर होने लगते थे, इसीलिए वो पानी से बाहर नहीं निकल पाता, जिससे लोइस उसे बाहर निकालती है। लोइस उस भाले को दूर फेंक देती है, लेकिन सुपरमैन देखता है कि वो बिना क्रिप्टोनाइट के उसे नहीं हरा पाएगा, क्योंकि डूम्सडे का हाथ कटने के बावजूद भी वापस रिजनरेट हो रहा था। इसीलिए वो लोइस को कहता है कि मुझे जाना होगा, और वो लोइस को किस करके उससे अलविदा लेता है। फिर उस भाले को लेकर डूम्सडे के सीने में घुसा देता है, जिससे उसकी सारी एनर्जी निकलने लगती है। लेकिन डूम्सडे अपने हाथ के स्पार्क को सुपरमैन के सीने में भर देता है, जिससे सुपरमैन खुद को बचाने की बजाय उस भाले को डूम्सडे के आर पार निकालकर उसे पूरी तरीके से मार देता है। मगर इससे सुपरमैन भी मारा जाता है, जिससे लोइस बहुत दुखी हो जाती है। ब्रूस सुपरमैन को नीचे उतारता है। वहीं हमें लूथर को दिखाया जाता है जो क्रिप्टोनियन शिप में होता है, जहाँ
मन में उसे पता चलता है कि जल्दी स्टेवन वुल्फ अपने पैराडीमन के साथ धरती को बर्बाद करने आने वाला है, क्योंकि विक्टर को जिंदा करने के लिए उसके डैड ने उस मदर बॉक्स को एक्टिवेट कर दिया था। फिर दिखाया जाता है कि सुपरमैन को मेट्रोपोलिस के हीरोज पार्क में खाली ताबूत के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है, जिससे सभी लोग बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि अब उन्हें बचाने वाला सुपरमैन नहीं रहा था। वही क्लार्क केंट का अंतिम संस्कार स्वामिले में किया जाता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि क्लार्क ही सुपरमैन है, जिससे क्लार्क के सभी जानने वाले रिपोर्टर उसके फ्यूनरल में घर आए होते हैं, जहां लोइस भी क्लार्क के रूम में उसके जाने के गम में बहुत दुखी होती है। मार्था लोइस को क्लार्क का दिया हुआ एक कोरियर देती है, जिससे क्लार्क लोइस को प्रपोज करना चाहता था। फिर वो सभी क्लार्क की बॉडी को दफनाने के लिए बाहर आ जाते हैं, जहां ब्रूस भी मौजूद होता है, जो डायना को मिलने के लिए अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम जैसे सभी मेटा ह्यूमन से मिलना है, क्योंकि मुझे एहसास हो रहा है कि बहुत ही जल्द बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, इसीलिए हम सभी को मिलकर लड़ना होगा। वही लोइस क्लार्क के ताबूत पर मिट्टी डालकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो मिट्टी हवा में उड़ने लगती है, जिसका मतलब होता है कि सुपरमैन वापस जिंदा हो सकता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि सुपरमैन वापस कैसे जिंदा होगा, तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके ये वाली वीडियो देख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो का 20K लाइक एम भी जल्दी पूरा कर देंगे, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।